दिल्ली में बीजेपी एमसीडी में, गलियों में जाके आप नाले में जाके देखिए, ऐसे ऐसे नाले हैं वहाँ पे, डेंगू से आदि परेशान, बुखार से परेशान। बीजेपी ही चुनाव जीतेगी एमसीडी का, तो काम करने वाले बंदे को वोट करेंगे ना लोग। दिल्ली की साफ सफाई की हालत तो यहाँ खराब है ना, और लोग परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं ऋषभ जलान। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है और 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं। तो चलिए, आज हम आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में और हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या राय है इस बार एमसीडी में किसकी जीत होगी। जी सर, आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एमसीडी का चुनाव जीत सकती है? दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव नहीं है। कहते ना, एक परिवार में एक बहस सी उछड़ गई है, चुनाव वाली बात नहीं रही। पहले चुनाव होते थे काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए, किसी चीज के लिए काम चुनाव होते थे, अब वो बात नहीं है। अब तो सिर्फ एक हिंदू मुसलमान के लिए हो गई है। रही बात दिल्ली की, बात मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली में बीजेपी एमसीडी में, एमसीडी के आप कराने पर बैठे हो, आप कॉलोनी में जाके देखिए, सर्वे करना आप जाके, एक एमसीडी में वहाँ पे कोई भी, यहाँ पे गंदा, इतना गंदा, गलियों में जाके आप नाले में जाके देखिए, ऐसे ऐसे नाले हैं वहाँ पे, डेंगू से आदि परेशान, बुखार से परेशान। और हमारे मनोज तिवारी हैं, जमुना पार से हैं, सांसद हैं, पर वो कभी ना कभी गए ना कभी आए। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस बार एमसीडी का चुनाव जीत सकती है? क्या वो आम आदमी पार्टी है, क्या वो बीजेपी है, या फिर वो कांग्रेस है? नहीं, फिलहाल तो अभी बीजेपी का ही नाम लूंगा मैं, क्योंकि अभी दिल्ली में बीजेपी ही है, बीजेपी ही चुनाव जीतेगी एमसीडी का। और लगभग मेरे हिसाब से बीजेपी ने अभी तक एमसीडी को जिस तरह संभाला हुआ है परिवार की तरह, आगे भी वो संभालेगी, मैं ये कामना करता हूँ। तो सर कामना करते हैं कि सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी है जो इस बार चुनाव जीतने वाली है, तो आइए आगे चलते हैं और हम और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस बार का चुनाव जीतने वाली है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लगती है जो इस बार का चुनाव जीत सकती है? सर का यहाँ पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो यहाँ पे चुनाव जीतने वाले हैं। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतेंगे? तो काम करने वाले बंदे को वोट करेंगे ना लोग, जिसने काम किया है। आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस बार चुनाव जीतने वाली है? देखिए, पिछले 10 साल से तो बीजेपी काबिज है ना एमसीडी पे, तो दिल्ली की साफ सफाई की हालत तो यहाँ खराब है ना, और लोग परेशान हैं। अच्छा, बीजेपी हर बार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा देती है कि साहब इन्होंने बजट नहीं पास किया तो इसलिए हम एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए, इसलिए सफाई हो नहीं पा रही है। तो ये देखिए, 10 साल से आप शासन में है, केंद्र सरकार आपकी है, और ये आरोप दे कि आप दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ गंदगी किए रखेंगे, तो ये ठीक तो नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। कौन जीतेगा ये देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। यहाँ पर माहौल दोनों ही बने हुए हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, और कुछ लोग यहाँ पर है जो अभी भी कहते हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब इस बात पर देखना ये होगा कि एमसीडी का चुनाव इस बार कौन सी पार्टी है जो एमसीडी का चुनाव जीतने वाली है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अब देखना ये बनता है कि हमारे पास 3 पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें से हमें ये देखना होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके खेमे में एमसीडी का चुनाव जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। दिल्ली में बीजेपी एमसीडी में, गलियों में जाके आप नाले में जाके देखिए, ऐसे ऐसे नाले हैं वहाँ पे, डेंगू से आदि परेशान, बुखार से परेशान। बीजेपी ही चुनाव जीतेगी एमसीडी का, तो काम करने वाले बंदे को वोट करेंगे ना लोग। दिल्ली की साफ सफाई की हालत तो यहाँ खराब है ना, और लोग परेशान हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।